सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2016 के लिए 20 अगस्त शनिवार को नाम वापस लेने के लिए कार्य का शांतिपूर्ण समापन हो गया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 8, महासचिव पद के लिए 12 और संयुक्त सचिव पद के लिए 12 प्रतिनिधि चुनाव मैदान में शेष बचे हैं। कि हमने वैध की लिस्ट आज सुबह 10 बजे लगा दी है। अब जो मेन काम चल रहा है वो है 11 से 2 के बीच में जो लोग चाहें वो नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और 2 बजे तक ये नामांकन पत्र वापस लेने का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम उसको व्यवस्थित करेंगे और फाइनल लिस्ट को, हमारे पास समय जो दिया गया है 2 से 5 का दिया गया है, तो जब भी पॉसिबल होगा 3-4 लेटेस्ट 5 तो है ही, जब भी संभव होगा वो लगा दिया जाए। चुनाव मैदान में अब अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय अभिषेक मल्लुका, एबीवीपी से चेनाराम, एनएसयूआई से हनीश मरोटिया और निर्दलीय राजेश बड़ाना शेष रहे। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए दीपक मेघवाल, गौरव पांडव, केदार मीणा, प्रेम सुख, रेणुका गढ़वाल, शैतान चौधरी, शिवचरण और सुशील जाटव मैदान में है। वहीं महासचिव के लिए अविनाश जांगिड़, चंद्रशेखर धावा, चेनाराम चोयल, चेतना धीरज सिंह राठौड़, गौरांग गोयल, मुकेश चौधरी, सद्दाम खान, सुरेंद्र चौधरी, सुरेश सिंह रावत और यश यादव। इसी तरह संयुक्त सचिव के भरत गुलाब चंदानी, देवेंद्र सारण, हीना कंचन धनवानी, महेंद्र खींची, महेंद्र मेघवाल, मुकेश जाट, पदम कुमार, प्रतीक कुमार, राहुल कुमार, सुरेंद्र चौधरी तथा सुखराम जाट चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनएसए को समर्थन करना चाहते हैं इसलिए हमने ले लिया। किस पोस्ट में खड़े हुए थे? उपाध्यक्ष। कि मैं किसी के कहने पे नहीं ली, बस एनएसए को समर्थन करना चाहती हूँ इसलिए। कल नामांकन भरने की डेट थी, कई जनों ने फॉर्म भरे, लगभग 150 फॉर्म प्रत्यक्षियों ने फॉर्म भरे, तो आज 3 गर्ल्स हैं जिन्होंने एनएसए के समर्थन में फॉर्म उठाए। एक का नाम है जैसे कंचन चौधरी, कल्पना लखन और मेघा गढ़वाल, इन्होंने एनएसए का पूर्ण रूप से समर्थन किया और एनएसए पैनल जिताने का एक तरीके से शपथ ही लिया।